नमस्कार, सिंपल होम कुकिंग विद वंदना उमेश में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बैंगन लिया है, 1 मीडियम साइज प्याज, 1 को हमें इस प्रकार से धो करके इस प्रकार से कट कर लेना है। काट करके मैंने इसका अंदर का पोर्शन निकाल लिया है। ये मैंने निकाल के रेडी कर लिया है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला के लिए मुझे 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, पेपर 1/2 चम्मच। मसाला भूनते समय इसको इसमें मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मसाला है। ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, इसमें मसाला मिक्स करते हैं। इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बैंगन नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं इसमें। ये मैंने टमाटर का अचार लिया है, आप कोई भी अचार का मसाला यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच। इसको इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। ये मसाला तैयार हो गया है, अब हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। ये हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, इतना इस तेल काफ़ी है। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरा तेल गर्म हो गया है, मसाला जो मैंने रेडी करके रखा था उसको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि मुझे स्टफ करके भरते समय भी उसमें मसाला फ्राई होगा, तो थोड़ा ही देर तक ये फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट काफ़ी है। मेरा मसाला फ्राई हो चुका है, स्टफ के लिए मसाला तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। इसको हम थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। बैंगन को मैंने स्टफ करके रेडी कर लिया है, अब इसको हम सनफ्लावर ऑयल में फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के फ्राई करना है। इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। गैस को हमें स्लो कर देना है और इसको इस प्रकार से ढक के धीमे धीमे आंच पे फ्राई करेंगे। अब मेरा भरवा बैंगन रेडी हो गया है। ये देखिए कलर काफ़ी सुंदर आया है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको डिस आउट कर लेंगे इस प्रकार से। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा।